सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बोर्ड एग्जाम्स वो वहां खड़ी होकर हमें देख रही है। आज हो चुकी है 4th of February और बस कुछ ही दिन बचे हैं, हार्डली 20 दिन बचे हैं हमारी एग्जाम के अंदर। तो अब एक हाई टाइम आ चुका है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में 7 नंबर का केमिकल काइनेटिक्स और 7 नंबर का सॉल्यूशन आ रहा है, यानी 14 मार्क्स हो गए, और 9 मार्क्स का आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी 23 मार्क्स टोटल हो गए। तो अगर आपने ये 3 इजी चैप्टर एक बार मेरे साथ में रिवाइज कर लिए, इनके फॉर्मूलेस पढ़ लिए, इनके ग्राफ पढ़ लिए, इनके PYQs लगाकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो ये मेरी गारंटी है 23 में से 23 मार्क्स आप फिजिकल केमिस्ट्री में ला सकते हो। अगर एक बच्चा जिसकी बहुत ही बुरी हालत है, 70 नंबर का पेपर है, पासिंग मार्क्स भी 23 है, यानी केवल 3 चैप्टर पढ़ के आप पास हो सकते हो। तो ऐसा स्टूडेंट जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, भाई उसके भी बहुत काम का है। एक ऐसा स्टूडेंट जो भयानक रिवीजन करना चाहता है, उसके तो बहुत भयानक काम का है। और अगर एक मीडियोकर स्टूडेंट जो 70 में से 35-40 ही ला पा रहा है प्री बोर्ड में, और वो 63 तक पहुंचना चाहता है, 90% स्कोर करना चाहता है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। वन शॉट में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम फोकस फॉर्मूले पर रहेगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर कम फोकस करेंगे, केवल उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जिन पर सवाल बनते हैं। तो चलो गाइस, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ना। एंड नोट्स पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा लिखे गए ये फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है, डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपका प्यारा प्यारा कमेंट का मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कि भाई आपके मृत्युंजय सर ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है, तो आपको उनका पढ़ाया हुआ कैसा लगा। तो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं सॉल्यूशन चैप्टर से रिवीजन शुरू करने के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कॉम्पोनेंट होते हैं। हम केमिस्ट्री में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 कॉम्पोनेंट का, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है और कभी अपना फिजिकल स्टेट नहीं बदलता। सॉल्वेंट लेसर क्वांटिटी में होता है और अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है। अब अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन को आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। भाई अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, होमोजीनियस। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हेट्रोजीनस। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आपके सॉल्वेंट में अमाउंट कितना है सॉल्यूट का, जैसे कि डाइल्यूट मतलब कम अमाउंट है तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब रसगुल्ले की चाशनी, लिक्विड लिक्विड, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड गुलाब जामुन की चाशनी, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी, क्योंकि दोनों में पानी है, दोनों में शक्कर है, पर शक्कर ज्यादा है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपके सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो आपके सॉल्वेंट का टाइप होगा वही आपके सॉल्यूशन का टाइप होगा। तो गैशियस सॉल्यूशन 3 प्रकार के, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इनके एग्जांपल्स हैं। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये इसके एग्जांपल्स आ गए। सॉलिड सॉल्यूशन का गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। गाइस इसमें से आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस पर सवाल आया है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। क्वेश्चन था कि मरकरी एंड सोडियम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन है। अब आप बोलोगे सर सॉल्वेंट वो होगा जो फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा और ये सॉल्यूशन सॉलिड टाइप का है, तो
तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। अब मरकरी और सोडियम में सॉलिड कौन है, ऑब्वियसली सोडियम, तो सोडियम यहां पर सॉल्वेंट होगा, मरकरी यहां पर सॉल्यूट होगा। इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल्स एक एक बार देखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैं एक एक करके इनके फॉर्मूलेज यहां पर लिखूंगा और वो फॉर्मूलेज आप लोगों को फटाफट से रिवाइज करने हैं। गाइज मैं केवल वही फॉर्मूले लिखूंगा जो हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं, इसीलिए सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन के बारे में। आप सभी लोग जानते हो मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन में अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। जहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो एन टू का मतलब होता है मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के, और एन वन का मतलब होता है मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्वेंट के। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम टू यानी कि मोलर मास। और अगर आप लोगों को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सो दैट विल बी वन माइनस एक्स टू, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया हम लोगों को। मोल फ्रैक्शन के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को सीखनी है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी इनफैक्ट आगे चल के तो आप लोग मोलैरिटी को कॉन्सेंट्रेशन से भी डिनोट करोगे इसी चैप्टर के अंदर। सो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर सॉल्यूशन, और आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी की अगर यूनिट पूछी जाए तो वो होगी मोल्स पर लीटर। और मोलैरिटी के बारे में एक बात ध्यान रखना, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Why it depends on temperature? क्योंकि देखिए molarity का actual formula क्या होता है, that is number of moles of solute in 1 liter solution। भाई ये liter क्या है, liter और कुछ नहीं volume है, तो volume। अब आप सभी लोग जानते हो कि अगर temperature बढ़ाया जाए तो volume बढ़ता है। भाई एक बात बताओ, बर्फ इतनी सी होती है, temperature बढ़ाया पिघल गई, फैल गया पानी, पानी को और गर्म करा भाप बन गया पानी, और भाप बन के पूरे रूम में फैल गया। तो बर्फ के मुकाबले जितने मॉलिक्यूल बर्फ में थे उतने ही मॉलिक्यूल अभी वेपर फॉर्म में, लेकिन उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम घेरा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, और आप सभी लोग जानते हो मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशनशिप में है, सो देयरफॉर मोलैरिटी डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। आगे चलते हैं मोलैरिटी के बाद बात करते हैं अबाउट मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। सो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। इसीलिए इसकी जो यूनिट बन जाती है वो हो जाती है मोल्स पर kg। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि मास का कोई चेंज हमें देखने नहीं मिलता टेम्परेचर के हिसाब से। भाई सन पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो क्या उसका मास चेंज हो रहा है, नहीं, फिक्स है, है ना। हमारी बॉडी का मास गर्मी में अलग और ठंड में अलग थोड़ी हो जाता है, फिक्स है। तो मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। आइए मोलैलिटी के फॉर्मूले को फर्दर डिफरेंस करके बनाते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। W1 क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या चीज क्लियर हुई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे।
इस चैप्टर के जिस पर से सवाल आएंगे या उससे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। आगे चलते हैं और हेनरी लॉ की बात करते हैं। गाइज आप सभी लोग जानते हैं हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ कहता है कि अगर किसी भी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर देखना होगा। वो गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो गैस सॉल्यूशन के अंदर या उस लिक्विड के अंदर उतना ज्यादा डिजोल्व करेगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। और उस बेसिस पर हमारे पास में एक लॉ आया, एक इक्वेशन आया, वेयर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, वेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, पी इज द पार्शियल प्रेशर, पी इज द पार्शियल प्रेशर। और जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपको यहां पर एक के एच करके मिलेगा। दिस के एच इज कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू के एच एक्स। हम लोग ये वाला फॉर्मूला ना यूज करते हुए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी इज इक्वल टू के एच एक्स, मीनिंग बदल जाता है चीजों का। आप इस ग्राफ में भी देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है पार्शियल प्रेशर के बढ़ने के साथ, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। अगर हम के एच के यूनिट की बात करें तो वो टॉर होगी। एक क्वेश्चन और आता है कि के एच की वैल्यू का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना के एच की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। क्यों? देखो हम लोग सब जानते हैं पी इज इक्वल टू के एच एक्स। तो जब आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करोगे सो के एच विल बिकम इक्वल टू पी बाय एक्स, और वी कैन से के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय मोल फ्रैक्शन, वन बाय मोल फ्रैक्शन, राइट। इसका मतलब यह है कि के एच की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी देयरफॉर एक्स मोल फ्रैक्शन और वी कैन से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब आप सभी लोग जानते हो कि अगर लिक्विड के अंदर मुझे गैस की सॉल्युबिलिटी कम करनी है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आप मुझे एक बार बताओ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो बढ़िया टेस्ट आता है, चरका चरका कार्बन डाइऑक्साइड का गले में मस्त लगता है, लेकिन अगर वही कोल्ड ड्रिंक एकदम गर्म हो, भरी धूप में दुकान पर पड़ी हो फ्रिज के बाहर, अगर आप उसको उठा के पी भी लोगे तो आपको वो फील नहीं आएगा जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक का आता है। क्यों? क्योंकि अभी बॉटल गर्म है, आपने जैसे ढक्कन खोला अंदर की CO2 बहुत तेजी से एनवायरनमेंट में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चीज गर्म होती है तो गैस उसके अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो भाग जाती है। भाई जब मैगी बनाने के लिए पानी उबालते हो तो पानी में बबल्स उठते हुए दिखते हैं, वो पानी में बबल्स कहां से आते हैं? वो पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड गैस होती है टेम्परेचर आने पर, गर्म होने पर वो बबल्स पानी को छोड़ के निकलने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अगर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने पर, और इस इक्वेशन से हमें समझ में आया कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है केएच के बढ़ने पर, तो ऑटोमेटिकली रिलेशन लगाओ ना, केएच और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं तभी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो ये वाला फैक्टर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर की तरफ चलते हैं। गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने क्लोज चेंबर के अंदर एक वोलेटाइल लिक्विड रखा तो वोलेटाइल लिक्विड आसपास की एनर्जी अब्सॉर्ब करके लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेगा। शुरुआत में लिक्विड ज्यादा होगा, वेपर कम होंगे, पर एक टाइम पीरियड के बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी जिसमें जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल आप देख सकते हो वेपर बन के जाएंगे, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल आप देखना, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल ये देखो ये चले और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये जो वेपोराइजेशन हो रहा है, इस वेपोराइजेशन की वजह से यहां पर वेपर्स बन रहे हैं, और ये वेपर्स क्योंकि गैशियस फॉर्म में है, ये वेपर्स इस ढक्कन पर टकराएंगे, ये वेपर वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराएंगे, ये वेपर लिक्विड की सरफेस पर टकराएंगे। तो ये वेपर जब टकराएंगे तो इनकी टक्कर से एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसे वेपर प्रेशर बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है राउल्ट्स लॉ के बारे में। अब राउल्ट्स ने क्या बोला, राउल्ट्स ने बोला कि जब आपके पास में
एक चेंबर के अंदर केवल और केवल सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उसकी सरफेस पर सारे पार्टिकल्स केवल और केवल सॉल्वेंट के होंगे, और क्योंकि सरफेस पर 100% सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यहां पर आपको सॉल्वेंट के बहुत सारे वेपर्स दिखाई देंगे, वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेपर्स एक वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, जिसे लेट्स से मैं नाम दे देता हूं P1 या P1 नॉट, मैं इसे नाम दे देता हूं P1 नॉट, क्यों? क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में, अपने प्योर फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अब यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे पास में सॉल्यूट आ गया, और इंटरेस्टिंगली यहां पर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट भी वोलेटाइल होगा, मतलब यहां पर सरफेस पर सारे पार्टिकल्स उस वोलेटाइल सॉल्यूट के होंगे। वोलेटाइल मतलब जो भाप में यानी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्योंकि सरफेस पर 100% पार्टिकल सॉल्यूट के होंगे, यहां पर वेपर प्रेशर सॉल्यूट का हमें दिखाई देगा। इसे मैं काम करता हूं P2 नॉट बोल देता हूं, और ये भी अपने प्योर फॉर्म में। अब एक बात ध्यान रखना, वेपर बनना एक सरफेस फिनोमिनन है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा उसका वेपर। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब हमने यहां पर क्या करा, सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर। अब इससे क्या हुआ कि इससे आपके सॉल्यूट की, आपके सॉल्यूट की सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, आई मीन सॉल्यूशन की सरफेस पर सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों के पार्टिकल्स बराबरी से आ गए। अब यह डिपेंड करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर कि वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन के अंदर सरफेस पर सॉल्यूट के कितने और सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल्स है, ये किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर। मतलब आपने सॉल्यूशन बनाते वक्त सॉल्यूट का कितना पार्ट लिया, सॉल्वेंट का कितना पार्ट लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने दोनों को बराबर लिया, 0.5 0.5 दोनों का मोल फ्रैक्शन रखा, तो सरफेस पर दोनों के पार्टिकल बराबर होंगे। लेकिन अगर आपने 20% सॉल्यूशन सॉल्यूट और 80% सॉल्वेंट लिया, तो सरफेस पर भी 20% एरिया सरफेस का सॉल्यूट ऑक्यूपाई करेगा और 80% सॉल्वेंट ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन फिर भी अब यहां पर सरफेस पर ना तो सॉल्यूट 100% है ना तो सॉल्वेंट 100% है। इसका मतलब सॉल्यूट जब अपने प्योर फॉर्म में था और जितने वेपर बना पा रहा था, क्या ये यहां पर उतने वेपर बना पाएगा, नहीं सर, ये उससे थोड़े कम वेपर बना पाएगा। आपका सॉल्वेंट जब अपने प्योर फॉर्म में था और सरफेस पर 100% था, तो क्या वो जितने पार्टिकल्स बना पा रहा था, वेपर्स बना पा रहा था, क्या वो उतने वेपर्स बना पाएगा, नहीं सर, नहीं बना पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा, प्योर सॉल्यूट का मुकाबले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम होगा। तब हमको एक बात पता लगानी है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अपना खुद का वेपर प्रेशर कितना है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको P1 और सॉल्वेंट के लिए हम लिखेंगे P2। नाउ P2 इज व्हाट एंड P1 इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और यहां पर क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। दोनों में फर्क है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म वो अलग था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अलग है। तो राउल्ट्स ने बोला कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा और अपने सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जितना होगा, दैट विल बी राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स ने हमें बोला कि यार ये P1 कैसे निकालेंगे, यानी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना है, तो उसका इजी तरीका है। हमें राउल्ट्स ने बोला एक बात बताओ, जब आपका सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होगा 100%, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P1 नॉट, ये उसका मैक्सिमम प्रेशर है। लेकिन अभी सॉल्यूशन में कितना है, मोल फ्रैक्शन से पता चल जाएगा।
तो मोल फ्रैक्शन x1, तो सॉल्यूशन में उसकी कितनी हिस्सेदारी है मल्टीप्लाई बाय उसका मैक्सिमम प्रेशर की तरह, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, सो दैट विल बी इक्वल टू P2 नॉट x2। और ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ मेरे बच्चों, दिस इज योर राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, खैर इतना ज्यादा क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ के ग्राफ पर नहीं आते जितने उसके न्यूमेरिकल पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राउल्ट लॉ के बेसिस पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं गाइस। आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओवर मतलब ओबे करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्यों ऐसा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ ने बोला, यानी राउल्ट्स ने बोला कि जितना इंटरैक्शन एक सॉल्यूट का दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ में होता है और जितना इंटरैक्शन एक सॉल्वेंट का दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल उतना ही इंटरैक्शन एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट के साथ हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जितना पास पास या जितना दूर दूर, जितना स्ट्रांग या जितना वीक एक सॉल्यूट और दूसरे सॉल्यूट का इंटरेक्शन है, एक सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, उतना ही एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर और सॉल्यूशन के बनने पर इंथैल्पी के अंदर कोई चेंज नहीं होता। आपको आइडियल सॉल्यूशन बनने के बाद आपका बर्तन ना तो ठंडा दिखेगा ना तो गर्म दिखेगा, वॉल्यूम भी बराबर रहेगा। 10 ml सॉल्यूट 10 ml सॉल्वेंट लेकर सॉल्यूशन बनाया तो आपको एग्जैक्टली 20 यानी 20 ml सॉल्वेंट ही मिलेगा। एग्जाम्पल एन हेक्सेन एन हेप्टेन का सॉल्यूशन, बेंजीन और टॉलविन का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारे नियर आइडियल सॉल्यूशंस हैं, यानी कि इस दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन इक्वल नहीं होता। मतलब अगर सॉल्यूट सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में हो कंपलसरी नहीं है, 100% कंपलसरी नहीं है। इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन दुनिया में नहीं मिलते। तो फिर क्या मिलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल ओबे नहीं करते। इसका मतलब यह कि जो अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में था और जो अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में था, वो बिल्कुल भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में हो कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब आप सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनाओगे तो एनर्जी चेंज होगा, या तो आपका बर्तन आपका बीकर ठंडा हो जाएगा एंडोथर्मिक या गर्म हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच कभी जीरो नहीं रहेगा, डेल्टा वी यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी कभी जीरो नहीं रहेगा। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जब आपने मिलाया 10 ml तो हो सकता है आपका सॉल्यूशन 19 या 18 ml ही बने। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन बढ़ गया, ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चिपक चिपक के बैठ गए तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा। लेकिन अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट नफरत करने लग गए, एक दूसरे से दूर दूर जाने लग गए, एक दूसरे से दूर भागे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप मिलाओगे 10 ml सॉल्यूट 10 ml सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूशन 20 ml ना बनते हुए 22 ml बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी कभी बराबर नहीं रहेगा। अब आपके जो आइडियल सॉल्यूशन तो हो गए, लेकिन जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव का मतलब ही समझो, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका आपने और मैंने राउल्ट्स लॉ लगाकर पी टोटल कैलकुलेट करा कि पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू से जो पी टोटल निकला वो इतना निकला, जो हमने कैलकुलेट करा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो पी टोटल हमारे कैलकुलेट करने वाले से ज्यादा निकला, ज्यादा वेपर प्रेशर निकला। तो पी टोटल कैलकुलेटेड से ज्यादा निकला उसका क्या मतलब है, ज्यादा वेपर्स बने होंगे, मतलब सॉल्यूट के भी ज्यादा वेपर बने, सॉल्वेंट के भी ज्यादा वेपर बने। हमने जो उम्मीद करी थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को इतना पकड़ के रखेंगे
अच्छे से होल्ड करके रखेंगे कि सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के इतने इतने वेपर्स बनेंगे, लेकिन हमने जो उम्मीद करी थी उससे ज्यादा वेपर बन गए। तो ज्यादा वेपर बन गए तो ज्यादा वेपर प्रेशर आ गया, लेकिन ज्यादा वेपर प्रेशर आ गया, ज्यादा वेपर बन गए तो ज्यादा वेपर क्यों बने? क्योंकि हमने जो उम्मीद करी थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होगा, आज उससे वीक इंटरेक्शन देखने मिला। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वीक इंटरेक्शन था, इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग हो गए और वेपर बन के उड़ गए। तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि जो पी टोटल आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला है वो कैलक्यूलेटेड पी टोटल से ज्यादा है। आई बात समझ में? इसीलिए आप देखो, आपको यहां पर जो पी टोटल का ग्राफ है वो ऊपर दिखेगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड, ठीक है। और नेगेटिव डिविएशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हमने जो राउल्ट्स लॉ से पी टोटल कैलकुलेट करा उससे कम पी टोटल निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। ऐसे सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और पॉजिटिव वालों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पॉजिटिव डिविएशन वालों का डेल्टा एच, डेल्टा वी और डेल्टा एस तीनों पॉजिटिव होते हैं, बस डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और बेटा डेल्टा जी तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस चाहते हैं, और अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियसली हो जाए, उसका डेल्टा जी नेगेटिव रखना जरूरी है। तो डेल्टा जी तो नेगेटिव ही होगा। इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स एक एक बार गो थ्रू करने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के ऊपर सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेगेटिव डिविएशन के लिए ये दोनों वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के बाद एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। बेटा एंट्रोपी अगर पॉजिटिव नहीं हुई तो फिर आपका गिब्स फ्री एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली काम नहीं करेगी। तो आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे वो तो डेल्टा एच डेल्टा वी नेगेटिव का क्या होगा, डेल्टा एच डेल्टा वी पॉजिटिव का क्या होगा। तो पॉजिटिव डिविएशन का पॉजिटिव, नेगेटिव डिविएशन का नेगेटिव, ये इसके एग्जाम्पल है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। चेक कर लो एक बार सब कुछ फटाफट से। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं और अजियोट्रॉपी की बात करते हैं। गाइज हम सब लोग जानते हैं अजियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसा पॉइंट जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रेंज पर मिला दें तो सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट जो भी हो, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो भी हो, ये अपने अपने इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट छोड़कर एक सिमिलर नए बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से हम डिस्टिलेशन, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि डिस्टिलेशन मेथड भी कहां इस्तेमाल होती है, डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम टेम्परेचर पे बॉइल होने लग जाएंगे तो इनका डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए नामुमकिन है, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। और इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को अजियोट्रॉपी बोला जाता है, ऐसे मिक्सचर्स को अजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला जाता है। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर मिलाने से ही बनता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इनका सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट देखने मिलता है। अजियोट्रॉपी दो तरीके की होती है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग नाम से समझो, मिनिमम बॉइलिंग यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पर ये दोनों एक साथ एक जैसे टेम्परेचर पर बॉइल करेंगे, लेकिन वो टेम्परेचर इनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम होना मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कमजोर है, तभी तो ये इजीली बॉइल हो पा रहा है, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के वेपोराइज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी हमेशा वो सॉल्यूशन शो करते हैं जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आई बात समझ में? एग्जाम्पल, जब आप 95.5% इथेनॉल ले लोगे और 4.5% वाटर ले लोगे तो क्या होगा,
इथेनॉल और वाटर मिलकर 351.15 केल्विन्स पर बॉईल करेंगे, जहां पर आप सभी लोग जानते हो कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 353 केल्विन्स होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। लेकिन अब वाटर और इथेनॉल दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट छोड़कर एक नए बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल कर रहे हैं जो इन दोनों के ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम है। अगला आता है मिनिमम के बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी मतलब सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट हो, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले इनके उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन मजबूत हो जाना, तभी उसको बॉइल करने में मुश्किल होगी, तो वो हमें देखने मिलेगा नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल HNO3 68%, वाटर 32%। हम सब लोग जानते हैं वाटर 373 केल्विन्स पर बॉइल करता है, HNO3 कुछ वही 355 केल्विन्स के आसपास कुछ बॉइल करता होगा। लेकिन अब इन दोनों का देखो और इसका नया बॉइलिंग पॉइंट देखो, दोनों से हाई है। सो ये हो गया आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक कहलाता है। आगे बढ़ते और बात करते गाइस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट से इनका कोई लेना देना नहीं होता, बट ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, मतलब सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं। हमें यह कोई फर्क नहीं है कि सॉल्यूट आयोनाइज हो सकता है, सॉल्यूट आयोनाइज नहीं हो सकता है, सॉल्यूट एसोसिएट हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स तुम्हारे पास में है वो डिसाइड करेंगे और ऐसी प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुलाता है। चार तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पूरे बोर्ड एग्जाम में कुछ आए ना आए इससे सवाल आएगा। क्या बोला मैंने, कुछ आए ना आए इससे सवाल जरूर आएगा। तो आप लोग राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर करोगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है मेरे बच्चों? चलिए, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइस, आपके पास में प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट को अपन ने एक बीकर में भर के रखा, उस बीकर की सरफेस पर 100% पार्टिकल्स सॉल्वेंट के हैं, इसीलिए सॉल्वेंट के 100% पार्टिकल्स ढेर सारे वेपर्स बनाएंगे और एक अच्छा खासा वेपर प्रेशर शो होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई रहेगा। अब आपने उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी राउल्ट्स लॉ से अलग। राउल्ट्स लॉ में हम वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते थे, लेकिन अब हमने क्या करा, यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो सर वेपोराइज हो ही नहीं सकता। हाँ यार, ये बात तो है, लेकिन जब आप सॉल्वेंट में मिलाओगे सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होने के बाद आपने सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन रखा है 20% 30% जो भी आपने उसका फ्रैक्शन रखा है 0.2 0.3 0.4 उतना हिस्सा वो सरफेस पर कवर करेगा, यानी उस सॉल्यूशन की सरफेस पर 20% अगर सॉल्यूट है तो सरफेस को 20% सॉल्यूट के पार्टिकल कवर करेंगे और 80% ही सॉल्वेंट रहेगा। तो अब आप बताओ, सॉल्यूशन बनते से ही सॉल्यूशन की सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए और सॉल्यूट के बढ़ गए। लेकिन क्या यह सॉल्यूट का पार्टिकल वेपोराइज होने की ताकत रखता है? नहीं, सॉल्यूट का पार्टिकल्स वेपोराइज नहीं हो सकते क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। लेकिन जो वेपोराइज हो सकते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, उनका तो नंबर ही कम हो गया सरफेस पर। जहां पहले वो प्योर फॉर्म में 100% थे सरफेस पर, तो वो 100% वेपर्स बना रहे थे, लेकिन अब तो 80% ही बचे, तो वेपर भी 80% ही बनेगा। तो अब वेपर कम बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, और सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो
और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन गया। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्वेंट के मुकाबले, और यही तो कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। सो पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को रीस्ट्रक्चर करके लिख सकते हैं पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस नॉट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। सो ये है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? क्या यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक चीज 100% क्लियर हो गई? चलो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद चलते एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद। गाइज आप लोगों ने कार के अंदर एक हरे कलर का पानी डालते हुए देखा होगा जिसे हम कूलेंट बोलते हैं। एक्चुअली पानी गाड़ी के अंदर इसलिए डाला जाता है कि जब गाड़ी रोड्स पर चले तो कार्बोरेटर इंजन ये सब गर्म हो जाता है, तो गाड़ी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए कूलेंट मिलाया जाता है। लेकिन गाड़ी जब गर्म होती है तो नॉर्मल पानी तो उस गाड़ी की गर्मी की वजह से खुद ही भाप बन के उड़ जाएगा, तो गाड़ी को ठंडा कौन करेगा? तुम्हारे चाचा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर कूलेंट मिलाया जाता है। कूलेंट इज नथिंग बट एक एंटी फ्रीज एजेंट इथाइलीन ग्लाइकॉल को पानी के अंदर मिला दिया जाता है। अब वो इथाइलीन ग्लाइकॉल नॉन वोलेटाइल होता है, उसको जैसे तुमने पानी के अंदर मिलाया पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यानी जहां नॉर्मल पानी 100 डिग्री पर बॉइल हो सकता था, अब यह वाला पानी 110 112 डिग्री पर बॉइल होगा, और आपकी गाड़ी तो 100 डिग्री तक गर्म हो सकती है, लेकिन वो पानी वो मिक्सचर 112 डिग्री पर बॉइल होगा, तो वो तो अपना बॉइलिंग पॉइंट टच ही नहीं कर रहा है। इसलिए ज्यादा लंबे समय तक आपकी गाड़ी में घूम के गाड़ी की गर्मी को अब्सॉर्ब करता रहता है और गाड़ी को ठंडा रखता है। दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का साइन होता है डेल्टा टीवी, जिसका फॉर्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। डेल्टा टीबी निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज केबी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। केबी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी, जहां पर केबी का मतलब होता है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक बार आप लोग एनसीईआरटी से इसका ग्राफ जरूर देख लेना। ग्राफ पर एज सच क्वेश्चन नहीं आते, नीट वगैरह के लिए काम में आएंगे। अगली प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कुल्फी वाले को देखा होगा। कुल्फी वाला जब ठेले पर कुल्फी लेकर बेचने के लिए निकलता है तो यार कुल्फी तो एक मिक्सचर है, दूध का, ड्राई फ्रूट्स का, शुगर का, पानी का, तो यार उसको फ्रीज होने के लिए 0 डिग्री नहीं बल्कि -5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अब वो ठेले वाले अंकल के पास फ्रिज तो है नहीं कि फ्रिज में कुल्फी जमा के रखे हो, तो बेचारा ठेले पर भरी गर्मी में मटका लेके बेचता है, मटके पे एक लाल कपड़ा होता है, तो क्या वो लाल कपड़ा फ्रिज का काम करता है? नहीं। तो फिर हमारे पास जो कुल्फी वाले अंकल आते हैं, वो कुल्फी एकदम कड़क जमी हुई क्यों होती है? आपने कुल्फी खाई होगी वो अंकल से लेके, आपको सॉल्ट सॉल्ट का टेस्ट जरूर आया होगा, सॉल्टी सॉल्टी। वो सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि वो अंकल जब घर से कुल्फी लेकर बेचने निकलते हैं तो वो जो बर्फ का इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल पानी की बर्फ नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल बर्फ जो होती है, नॉर्मल पानी जो होता है वो तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, उसके नीचे थोड़ी जाता है। लेकिन अगर हम पानी के अंदर नमक मिला दें तो नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पानी आपका सॉल्वेंट है, ये तो नमक के पानी का सॉल्यूशन बन गया,
तो जब हम इस सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज ना होते हुए -7 या -10 डिग्री तक चला जाता है। यानी नमक के पानी की बर्फ पर अगर आप थर्मोमीटर रखोगे तो आपको रीडिंग मिलेगी -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सिंपल पानी के बर्फ पर जब आप थर्मोमीटर रखोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा 0। तो आपने देखा कि क्या हुआ, सॉल्ट मिलाते ही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, 0 डिग्री से -10 डिग्री चला गया। इसका मतलब यह है, क्या है इसका मतलब, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपके कुल्फी वाले अंकल बढ़िया वो कुल्फी को बर्फ के अंदर रखेंगे, बर्फ -10 डिग्री पर है और कुल्फी -5 पे जम जाएगी तो आपकी कुल्फी एकदम कड़क रहेगी। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ को निकालने का फॉर्मूला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना आपको आता है, केएफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बार इसका ग्राफ भी एनसीईआरटी से देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस इमेजिन करो आपके पास में एक चेंबर है, इस चेंबर में हमने यहां पर लगाया है SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने आर पार केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं जाने देती, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही जाने देती है। सॉल्यूट का पार्टिकल कभी आर पार नहीं जाएगा। अगर यहां पर मैंने प्योर सॉल्वेंट रख दिया लाइक वाटर, और यहां पर अगर मैंने शुगर का सॉल्यूशन रख दिया तो शुगर सॉल्यूशन इज हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा है और सॉल्वेंट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसके पास में सॉल्यूट तो है ही नहीं। अब आप देखो, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन के पास में शुगर की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, लेकिन यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, हर चीज हायर से लोअर की ओर जाने की कोशिश करती है इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, आग में बहुत गर्मी है तो वो गर्मी हम तक आएगी क्योंकि हमारे पास गर्मी कम है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी गर्मी भी आग ले ले और हम और ठंडे हो जाए, नहीं, हायर से लोअर की ओर आती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर शुगर ज्यादा है, यहां शुगर कम है, शुगर इधर जाने की कोशिश करेगा लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको रोक देगा, जाने नहीं देगा। अब यहां पानी कम है, यहां पानी ज्यादा है, तो वाटर के पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करने लगेंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूट, सॉरी प्योर सॉल्वेंट से या लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने लगेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब मैं इस सॉल्यूशन की साइड पर एक पिस्टन लगाकर इसको नीचे की ओर दबाना चालू कर दूं, यानी सॉल्यूशन साइड पर जब मैं प्रेशर बढ़ाना चालू कर दूं तो प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा। कब तक बढ़ाता जाऊंगा, जब तक कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में घुसना ना बंद कर दे। यानी वो प्रेशर जिस पर कि अब आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना बंद कर दे, दैट प्रेशर पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोटेड बाय पाई, और इसका फॉर्मूला होता है C into R into T, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था, मोलैरिटी को ही कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मोल्स पर लीटर। R इज योर आइडियल गैस कॉन्स्टेंट और T इज योर टेम्परेचर। रिवर्स ऑस्मोसिस, जब हम लोग इस पिस्टन से और ज्यादा प्रेशर लगाना चालू कर दें, इतना प्रेशर लगाना चालू कर दें कि यहां पर पिक्चर ही उल्टी हो जाए, यानी अब आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर से लोअर की ओर जाना चालू कर दें,
तो इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ बोला जाता है। हमारे घर पे जो हम आरओ का पानी पीते हैं वो यही होता है, इसी का होता है। तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक जब दोनों सोल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, हाइपरटोनिक जब एक का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो दूसरों के। तो अगर आप अपने बॉडी के सेल को किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दोगे, हमारी बॉडी के सेल के अंदर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सोल्यूशन होता है, और अगर आप उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दोगे, हाइपरटोनिक यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका सेल श्रिंक कर जाएगा। एंड हाइपोटोनिक यानी आपके सेल का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो सोल्यूशन जिसके अंदर आप सेल को रख रहे हो। तो इस सेल के मुकाबले ये जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, और इस वजह से सॉल्वेंट बाहर से अंदर आने लगेगा और आपका सेल जो है वो स्वेल्ड अप हो जाएगा। गाइस वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। वेंट ऑफ काका जी ने कही करियो, वेंट ऑफ काका जी ने बोला कि यार जब मैं NaCl का मोलर मास निकालता हूं तो मैं जानता हूं Na का मास 23 होता है, मैं जानता हूं Na का मास 23 होता है और Cl का मास 35.5 होता है, ये मिलाकर हो गया 58.5। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं और जब मैं एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी बी निकालता हूं, के बी डब्ल्यू टू ये सब जब वैल्यूज रखता हूं और उसका मास निकालता हूं, तो यार NaCl का मास अलग आ जाता है। यार अगर NaCl है तो बेटा उसका मास 58.5 है, तो इस एक्सपेरिमेंट से भी आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है। लोचा। अब फिर उसने बोला कि मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालता हूं डेल्टा टी भी, और फिर लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट करता हूं। यानी मैंने क्या करा, मैंने अब यहां पर टी भी निकालने के लिए मोलर मास की जगह NaCl का मास 58.5 रख दिया, सॉल्व करा डेल्टा टी भी, डेल्टा टी भी की वैल्यू जो मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाली वो अलग आई, और जो 58.5 फॉर्मूला रख के निकाली थी वो साला अलग आई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तब वेंट ऑफ ने बोला कि यहां पर कुछ लोचा है। अब वो लोचा पता लगाने के लिए वेंट ऑफ ने दो बातें हमें समझाई। वेंट ऑफ ने बोला कि जब आप NaCl को पानी में डालते हो तब आप सोचते हो कि मैंने तो 1 मोल NaCl लिया है, लेकिन एक्वस यानी पानी में जाने के बाद ये NaCl टूट जाता है ना मेरे भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर आप तुम्हारे पास में 1 मोल Na और 1 मोल Cl है, तो सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल NaCl नहीं बल्कि 2 मोल आयन्स काम कर रहे हैं, जिसमें 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव है, तो 2 मोल पार्टिकल वहां पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का वैल्यू गड़बड़ा जाता है। इसीलिए उन्होंने फिर इस कंडीशन में, इस कंडीशन को सुधारने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाला। उन्होंने बोला कि अपन इसको पहले रब करके अपनी भाषा में लिखे ज्यादा मजा आएगा, उसको अपन पहले रब करें और जरा अपनी भाषा में लिखें। तो मान लो आपके पास में NaCl है, ये टूट रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इनिशियली तो 1 मोल था और ये 0.0 मोल थे, बाद में मैंने सोचा 1 में से अल्फा पार्टिकल टूट गए, 1 मोल में से अल्फा पार्टिकल टूट गए, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है। ध्यान रखना, अगर आपका NaCl 100% डिसोसिएट हो जाता तो मैं आई की वैल्यू सीधे 2 मान लेता वेंट ऑफ फैक्टर की। क्यों? क्योंकि जितने आयंस उतने आई की वैल्यू, लेकिन यहां पर क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है इसीलिए मैंने सोचा कि भाई 1 में से अल्फा टूट गए तो ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया। हमेशा ध्यान रखना, ये अल्फा की वैल्यू
तुम्हारे कैटायन के मोल्स पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास में CaCl2 है तो ये Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, इसका मोल इनिशियली 1, इसका 0, 0, 1 में से अल्फा टूटा तो बेटा ये तो अल्फा बनेगा पर ये 2 अल्फा बनेगा, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं। तो अब ये हो गया, तो अब आपके I की वैल्यू उसने निकालने के लिए बोला। अब I की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो वेंटहॉफ ने बोला I का मतलब है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर नो आयोनाइजेशन या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियली कितने पार्टिकल्स थे, तो अब हमने देखा कि यार इनिशियली तो हमारे पास में 1 पार्टिकल थे यानी 1 मोल थे, और पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन कितने, NaCl1 माइनस अल्फा है, Na अल्फा है, Cl अल्फा है, तो अल्फा अल्फा कट गया तो यहां पर आपके I की वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा। यहां वाले केस में आपके I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, अल्फा अल्फा कट गया सो I की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 अल्फा। तो अब इस तरीके से अब सॉल्ट को देखकर डिसोसिएशन निकाल सकते हो। अब एसोसिएशन वाला केस देखें तो एसोसिएशन के अंदर क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो हमारे पास में शुरुआत में CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच के 2 पार्टिकल्स हैं, ये साले पानी में गए तो इनने तो एक दूसरे शादी कर ली, इनने तो एक दूसरे से शादी कर ली और ये एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग गए। शुरुआत में 2 मोल थे, अब साला एक हो गया, ये तो एसोसिएशन हो गया, डाइमर बन गया, इसको क्या बोलते हैं, डाइमर। तो हमने बोला कि इनिशियली इसके 1 मोल थे, ये 0 था, लेकिन बाद में 1 में से अल्फा पार्टिकल चले गए एसोसिएशन में, और क्योंकि 2 पार्टिकल जुड़कर एक बना, 2 पार्टिकल जुड़कर एक बना इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ा। इमेजिन करो, इमेजिन करो शुरुआत में तुम्हारे पास इसका केवल 1 मोल था, अब जब 2 जुड़कर एक हो गए तो अंदर कितना मिलेगा, हाफ मोल, क्योंकि 2 जुड़कर एक बन गए, 2 जुड़कर एक बन गए तो तुमने डाले थे 1, लेकिन अंदर जाकर 2 जुड़कर एक बन गए तो बचा आधा, 1 मोल का आधा। तो यहां पर आप देखो 1 मोल को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इस 1 को 2 से डिवाइड किया तभी तो हाफ बना। सर 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 पार्टिकल जुड़कर एक बन रहे थे, मान लो कभी 3 पार्टिकल जुड़कर एक बनते तो 1/3 करना पड़ता, 4 पार्टिकल जुड़कर एक बनते तो 1/4 करना पड़ता, पर मोस्टली डाइमर ही बनता है, 2 जुड़कर एक बनते तो 1/2 कर दिया। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या करा, हमने किससे डिवाइड करा वैल्यू को, जितने एसोसिएट हो रहे। तो यहां पर हमने देखा कि ए एन हो गया, मतलब हमारे हिसाब से एन नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़कर एक होगा, इसलिए हमने कर दिया ए बाय अल्फा बाय एन। तो ये एन से डिवाइड क्यों किया समझ में आ गया, तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपके पास में डाइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू 2 होगी ऑलवेज। तो यहां पर एन की जगह आप क्या लिख देंगे, आप एन की जगह 2 लिख देंगे। तो अब आपके पास में आई की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरीके से आपको वेंटहॉफ फैक्टर निकालना आ गया, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितने पार्टिकल जो है वो डिसोसिएट हुए या एसोसिएट हुए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका उन्होंने और बताया कि अगर आपको डायरेक्टली आई निकालना हो, आपको ये नहीं पता हो कि एसोसिएट डिसोसिएट क्या हो रहा है, तो आप नॉर्मल मोलर मास से ऑब्जर्व्ड मोलर मास को डिवाइड कर दो या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो। दोनों उल्टे हैं, देखना दोनों उल्टे हैं, क्यों, क्योंकि देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे से डिवीजन में है, यानी इनवर्स रिलेशन में है, ये नीचे डिनोमिनेटर में और ये ऊपर है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ऊपर है नॉर्मल नीचे, तो मोलर मास में नॉर्मल ऊपर है और ऑब्जर्व्ड नीचे, बस ये आपका वेंटहॉफ फैक्टर हो गया। अब आप सारे फॉर्मूले में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड बराबर आएगा, अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड बराबर आएगा, अगर आप
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आई से मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ बराबर आएगा, और पाई इज इक्वल टू वी इंटू आई, एनआरटी कर लो तो भी आपको बराबर आएगा, या आप सिंपल सा लिखो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आप बाद में निकालते रहना। तो ये हो गया आपका वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एंड विद दिस हमारा चैप्टर सॉल्यूशन खत्म होता है। मैंने नोट्स के अंदर एक चीज और ऐड कर रखी कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे पास में, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये भाई ना तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो एसोसिएट हो, ना तो ये आयोनिक है कि डिसोसिएट हो, इसलिए इनके आई की वैल्यू आंख बंद करके वन मानेंगे। बोर्ड एग्जाम में 75% टाइम्स क्वेश्चन यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज पर आता है और इसके लिए आई कंसिडर नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो आपके पास में NaCl, KCl, HCl आता है और एग्जाम में क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब कि NaCl 100% टूट गया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल गया, तो एक मोल तोड़ने पर कितने मोल आयन निकले, दो मोल, इसीलिए इसके आई की वैल्यू हमेशा 2 कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो गाइज इस टेबल को एक बार जरूर देख लेना। और ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की तरफ। चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। गाइज हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हम वो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन से सेल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप केमिकल रिएक्शन होने लगती है, उस केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली केमिकल एनर्जी को हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे इन्वर्टर वगैरह, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे घरों में लगे हुए इन्वर्टर की बैटरी कुछ वही है। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी के मदद से उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिससे केमिकल एनर्जी बनती है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, और गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टेक सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाकर देता है स्पॉन्टेनियसली। तो इन दोनों सेल्स की स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके नोट्स के अंदर आप लोगों को डाल रखा है, जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का कॉन्सेप्ट भी डाल रखा है। आप सभी लोग जानते हैं जब कभी भी चीज स्पॉन्टेनियस होगी डेल्टा जी ऑलवेज कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और जब डेल्टा जी आपको पॉजिटिव दिखाई दे गिव्स एनर्जी, दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये है आपका डैनियल सेल। आई होप आप सभी लोगों ने डैनियल सेल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, डैनियल सेल को देख रखा होगा। इस डैनियल सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने 1836 में बनाया था। इस डैनियल सेल में एक बीकर में जिंक सल्फेट तो दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा गया है। जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड होती है। इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है और यहां पर वायर से या तो बल्ब या जनरली यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कराया जाता है। जनरली यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैंने यहां पर यह पूरी कथा लिख रखी है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर इस चेंबर में जहां पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें जिंक की रॉड डिप है। जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जब आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तब आप लोगों को पता होगा कि जिंक आपके कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के नाते इलेक्ट्रॉन रिलीज करके खुद को जेड एन डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जिंक की रॉड से
जिंक डाई पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोड को पार करके वायर को पार करके कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस चेंबर में ऑक्सीडेशन हुआ इसे ऑक्सीडेशन हाफ बोला जाता है। अब आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस कॉपर की तरफ आए तो कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आता हुआ देखकर ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव में टूट गया। SO4 डाई नेगेटिव तो सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर डाई पॉजिटिव के आयन्स इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपक गए, इकट्ठा होने लगे। क्यों? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये यहीं पर पकड़ के मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो कि आपको यहां पर कॉपर डिपॉजिट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल बना रहा है, हम इसे रिडक्शन हाफ बोलते हैं। आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो करंट का फ्लो इज ऑलवेज कैथोड टू एनोड, करंट उसके अपोजिट चलेगा। अच्छा, यहां पर जिंक सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव के आयन इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि Zn डाई पॉजिटिव बन रहा है और Zn डाई पॉजिटिव के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड की रॉड पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड का नेगेटिव पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से, सॉल्यूशन का पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया Zn डाई पॉजिटिव के इकट्ठा होने से, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसे EOX से डिनोट किया जाता है। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखने का तरीका होता है ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn, मतलब ई नॉट इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखा गया है। सिमिलरली यहां पर देखो इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर डाई पॉजिटिव इकट्ठा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का वेट कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, सॉल्यूशन में SO4 डाई नेगेटिव इकट्ठा हो गया है, नेगेटिव पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है, ई आर ई डी से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलो तो इतना समझने के बाद अब हम लोग सेल के रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हम लोग सब जानते हैं एनोड पर इस तरीके का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर इस तरीके का रिडक्शन होता है। ये देखो तो एनोड है, कैथोड है, एनोड के ऊपर सबसे पहले लिखा जाएगा जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक यहां पर मेटल के फॉर्म में है और वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर डाई पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है। कैथोड की बात करें तो यहां पर कैथोड वाले साइड पर कॉपर अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में और दो इलेक्ट्रॉन लेकर वो कॉपर मेटल में रिड्यूस हो रहा है, इसलिए पहले कॉपर डाई पॉजिटिव फिर कॉपर, इन दोनों के बीच में एनोड कैथोड के बीच में डबल डंडे आएंगे विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, और डिटेल में जाना हो तो Zn के नीचे ब्रैकेट में S लिखेंगे यानी सॉलिड मेटालिक फॉर्म, फिर Zn डाई पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस क्योंकि पानी के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अब यहां पर मैंने 1 मोलर लिखा है, हो सकता है 0.1 मोलर हो, 0.01 मोलर हो, कुछ भी हो सकता है। कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर स्लैश कॉपर सॉलिड कैथोड एनोड और बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज। ये आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था हमारे द्वारा, यहां पर यह जो सॉल्ट ब्रिज बनाया गया है, ये सॉल्ट ब्रिज हमेशा ध्यान रखिएगा इनर्ट सॉल्ट से बनता है। इनर्ट सॉल्ट जैसे KCl, KNO3, NH4Cl, इन सॉल्ट को अगार अगार या जिलेटिन के अंदर मिक्स किया जाता है। जिलेटिन एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। सर ये रॉड क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, इसके अंदर सेमी सॉलिड मटेरियल ही रखना पड़ेगा। पता चला वो सॉल्यूशन के अंदर बो करके ढुल गया, इसलिए इसको सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर रखा जाता है। यह एक यू शेप ट्यूब होती है जो आयंस के मूवमेंट को कंटिन्यू रख के सर्किट को बनाकर रखता है।
एंड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज आर प्लग्ड विथ ग्लास वूल्स, यानी यहां पर इसके मुंह पर इस तरीके से कॉटन या ग्लास वूल लगा के इसके मुंह को बंद कर दिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी इलेक्ट्रोड चेंबर के अंदर जो आयंस मौजूद है उन्हें न्यूट्रलाइज करना। देखो आपको मैं समझाता हूं, आपने जैसे यहां पर देखा था कि यहां पर सॉल्यूशन के अंदर ढेर सारा Zn डाई पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा, यहां सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा Zn डाई पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा और यह सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा SO4 डाई नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। तो यह सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, मान लो सॉल्ट ब्रिज में आपने K2SO4 भरा है तो K2SO4 में से SO4 निकलकर जाएगा सॉल्यूशन में और इस जिंक को न्यूट्रलाइज कर देगा। ZnSO4 बनाकर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा और यहां से निकला हुआ पोटेशियम सॉल्यूशन में जाकर ये SO4 को न्यूट्रलाइज करके K2SO4 बना लेगा। तो अब दोनों तरफ के चेंबर्स न्यूट्रलाइज होने लगेंगे और सेल कंटिन्यूअसली वर्क करेगा। अगर किसी भी चेंबर में एक चार्ज एक्सेसिवली इकट्ठा हो जाए तो सेल काम करना बंद कर देता है। इसलिए सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के साथ फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करेगा। पोटेशियम कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोराइड या कोई भी जो तुम्हारा क्लोराइड के अलावा जो भी एनायन आपने लिया हो वो हमेशा एनोड की तरफ जाकर न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अच्छा अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। गाइज हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के थे, रिडक्शन हाफ में रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन गाइज IUPAC ने बोला कि तुम ना फालतू झंझट मत पालो। IUPAC ने क्या बोला कि तुम लोग फालतू झंझट मत पालो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करना चालू करो। मतलब लोग लड़ने लगे, अंग्रेज बोलने लगे कि हम तो पूरी बात ऑक्सीडेशन की टर्म में करेंगे, तो रशियन लोग बोलने लगे कि हम तो पूरी बात रिडक्शन की टर्म में करने लगे, तो इंडिया वालों ने बोला कि यार मित्रों हम क्या करें। तो IUPAC ने बोला कि देखो ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेना, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दो, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, दो। तो जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो बात तो एक ही है, छोड़ना देना, भाई मैं दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूं, रशियंस बोलते मैं दो इलेक्ट्रॉन लेता हूं, भाई जो दो ले रहा है वही तो दो छोड़ेगा, तो इनडायरेक्टली बात एक ही है। इसलिए IUPAC ने बोला आज से हम पूरे दुनिया में केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करेंगे। तो सर अगर हमारे पास में एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसका क्या करें? तो देखो तुम्हारे एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मेटल दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप एक काम करो और इसकी जो वैल्यू आ रही है E0 का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा E0 का पहले मतलब समझ लो फिर आगे चलते हैं। ये E0 या स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जब तुम्हारा सेल डैनियल सेल या कोई भी गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलर हो, 1 atm का प्रेशर हो, 298 केल्विन का टेम्परेचर हो, तो जो जनरल तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अब कहलाने लगेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो अब कहलाने लगेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? तो अब मान लो यहां पर इसकी वैल्यू आई 1.10 वोल्ट, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, दुनिया के सामने रखने के लिए रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इस रिएक्शन को टर्न कर दूंगा, मैं इसको M डाय पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन लेकर M बनाया ऐसा लिख दूंगा। अब ये ऑक्सीडेशन था तो ऑक्सीडेशन को हम कैसे लिखेंगे, E0 M/M डाय पॉजिटिव, हम इसको ऐसा लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना अगर मेटल पहले है
और उसका आयन बाद में, मतलब मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को ये बनाया होगा, मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो। आप लिखो E नॉट, आप लिखो यहां पर M डाई पॉजिटिव, यानी पहले आपने आयन लिया, आयन ने दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को मेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और हो गया -1.10 वोल्ट, यानी केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा, यानी क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसीलिए IUPAC ने बोला कि अब लड़ाई खत्म, हमारे पास में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा तो हम उसकी रिएक्शन घुमाकर उसको रिडक्शन कर लेंगे, और जनरली अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। तो अब अगर आपको किसी सेल का, ओवरऑल सेल का EMF निकालना है, या सेल पोटेंशियल निकालना है, या सेल का वोल्टेज निकालना है, या E नॉट ऑफ द सेल निकालना है, या EMF ऑफ द सेल निकालना है, तो आपको उसके लिए केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, और E नॉट ऑफ कैथोड हो या E नॉट ऑफ एनोड हो, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया है, जब आप एग्जाम्पल को एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीज क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पर कॉपर का क्लियरली ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आ रहा है तो कॉपर एनोड पर आ गया, और सिल्वर क्लियरली रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है तो सिल्वर कैथोड पर आ गया। तो E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, कैथोड पर कौन है, सिल्वर। तो देखो सिल्वर पर मैंने पहले सिल्वर पॉजिटिव लिखा स्लैश सिल्वर, मतलब सिल्वर यहां पर क्या हो रहा है, क्लियरली सिल्वर यहां पर रिड्यूस हो रहा है, माइनस E नॉट ऑफ कॉपर पॉजिटिव स्लैश कॉपर, कहने को तो कॉपर यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड पर लगा है, लेकिन हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन घुमा दी होगी, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी उसको हमने घुमा दिया होगा। तो अब हम लोग यहां पर E नॉट ऑफ एनोड पर E नॉट ऑफ Cu डाई पॉजिटिव स्लैश कॉपर, यानी हमने कॉपर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा है। अब गाइस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, बोले तो बिना पेंदे का लोटा, बोले तो दो लोगों के बीच में मदद करने वाला इंसान, ये खुद का इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। अब क्योंकि आपके पास में एक सेल है, सेल पे कैथोड है, सेल पे एनोड है, दोनों से रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, ओवरऑल इनका वोल्टेज आपको वोल्ट मीटर पर दिखेगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास में एक सेल होता है और सेल पे लगा होता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो ओवरऑल सेल की आती है। अगर हमसे कोई बोल ले कि यार इस सेल का, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट है, तो वो तो पूरे सेल का पोटेंशियल है, उसमें जिंक और कॉपर इनका इंडिविजुअल कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करें, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। हम उस गैल्वेनिक सेल के अंदर पहले एनोड हटाकर, यानी जिंक और जिंक सल्फेट हटाकर SHE लगा देते हैं। अब SHE का खुद का तो जीरो हो गया, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो हो गया। रिडक्शन हाफ वाले का, यानी कॉपर कॉपर सल्फेट वाले का चल रहा है, तो अब जो ओवरऑल वैल्यू सेल की मिलेगी वो तो E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड से मिलेगी। अब क्योंकि एनोड का जीरो है तो जो कैथोड की वैल्यू होगी वही ओवरऑल सेल की वैल्यू होगी, तो आपको वोल्ट मीटर में जो रीडिंग दिख रही है वो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आ रहा है, लेकिन उस सेल के अंदर एनोड का तो कुछ है ही नहीं, तो जो है वो कैथोड का, तो हमको कैथोड का मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कैथोड का निकालना है तो कैथोड पर SHE लगा देने का है और एनोड का निकाल लेने का है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम यह होता है, ठीक है। अब आती है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली ऑन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसा मैंने आपसे कहा। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर एक बात समझना, लिथियम पॉजिटिव आयन से पूछा गया लेगा इलेक्ट्रॉन और खुद को रिड्यूस करेगा, इसने क्या जवाब दिया, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले, क्या करूंगा,
कभी नहीं करूंगा, ठीक है मत कर। कैसा रिस्पॉन्स आया? नेगेटिव। मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन लेकर क्या रिड्यूस होना चाहेगा? नहीं। लिथियम पॉजिटिव आयन यानी लिथियम कभी रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है तो फिर 100% इसका उल्टा करेगा, देना चाहेगा। इसीलिए जिसके ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब वो उतना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और उतना बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब वो उतना बैड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। बात समझ में आई? फ्लोरीन से पूछा तू ले ले, दो ले ले, उसने बोला हां दे दे, पॉजिटिव आंसर, यस यस अपुन करना चाहेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने बोल दिया भाई तू तो बहुत गंदा रिड्यूसिंग एजेंट है बे। क्यों? क्योंकि तू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता ही नहीं है, तू तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकला, तू तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता चलता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और इस बेसिस पर अब आप डिसाइड करोगे कौन एनोड पर लगेगा कौन कैथोड पर लगेगा। तो क्लियर सी बात है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा इसलिए फ्लोरीन कैथोड पर लगेगा, लिथियम देना चाहेगा इसलिए वो एनोड पर लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार सब लोग गो थ्रू करेंगे, सारे पॉइंट्स उसके देखेंगे। अब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख रहे हैं, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई। वहां पर डेल्टा जी आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी वेयर माइनस एन, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल आप सभी लोग जानते हैं, और एफ हो जाएगा आपका फराडे। आप सब लोग एक बात ध्यान रखिएगा, 1 फराडे इज ऑलवेज इक्वल टू 96500 कूलम्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर मान लो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा जाए तो आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा जाएगा, छोटा सा माइनर सा डिफरेंस रहता है डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी में। यहां पर डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब गाइस नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो मान लो आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें Zn कॉपर डाय पॉजिटिव से रिएक्ट करके कॉपर बना रहा है और खुद Zn डाय पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहली बात, नर्स्ट इक्वेशन का काम क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने में मदद करता है एट एनी अनस्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 298 केल्विन का टेम्परेचर, 1 एटीएम का प्रेशर, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास में कॉपर 0.1 मोलर और जिंक यहां पर 0.01 मोलर है, तो इस कंडीशन में इस सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे? ई नॉट तो निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए नर्स्ट इक्वेशन काम में आएगी। अच्छा, यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यानी यूनिटी, यानी यहां जिंक और यहां कॉपर के कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला रखेगा ईएमएफ ऑफ द सेल यानी पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। बेटा प्रोडक्ट साइड पर जो रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर एन और रिएक्टेंट साइड जो रहेगा उसकी पावर में एम। अब यहां पर एन और एम जो है वो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। जैसे यहां पर जिंक 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर कॉपर 1 है तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। हो सकता है किसी रिएक्शन में 2 हो,
जैसे कि आपको एक रिएक्शन दिखे लाइक एजी डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है टू एजी में, और यहां पर था कॉपर, तो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर डाई पॉजिटिव में, तो यहां पर आपके पास में एजी डाई पॉजिटिव टू है, तो इसीलिए इसकी पावर में, इसे कॉन्सेंट्रेशन की पावर में यहां पर टू आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है इसलिए ये नीचे आएगा, इसकी पावर में टू आएगा। ये कॉपर है प्रोडक्ट साइड, इसकी पावर में वन आएगा। अब यहां पर हम ई नॉट ऑफ द सेल में वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। सो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालने का तरीका हम सब लोग जानते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये लग रहा है देखो कॉपर कैथोड पर, जिंक लग रहा है एनोड पर, तो जिंक की वैल्यू आपको ई नॉट की दे रखी होगी, कॉपर के ई नॉट की वैल्यू दे रखी होगी, दोनों को जोड़ दो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से आपको ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, या डायरेक्टली भी दिया जा चुका होता है, जो आपको मिले 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, यहां पर जिंक डाय पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर डाय पॉजिटिव। ये हो गई आपकी नर्व्स इक्वेशन तैयार। इसकी नर्व्स इक्वेशन बनानी है तो आप लिखेंगे E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon N log base 10 copper dye positive divided by silver positive का स्क्वायर पावर में 2। तो इस तरीके से आप लोगों को नर्व्स इक्वेशन पर सवाल आएंगे, ढेरों सवाल आएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय केसी। आपको केसी नहीं, आपको पूरा लॉग केसी पूछा जाएगा। सबसे बढ़िया बात बोर्ड एग्जाम्स की यही है कि एंटी लॉग करना ही नहीं पड़ता। तो यहां पर लॉग केसी का फॉर्मूला होगा एन मल्टीप्लाई बाय ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। ये तीन फॉर्मूले पर बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, डेल्टा जी नॉट, नर्व्स इक्वेशन और लॉग बेस 10 केसी। अब आगे बढ़ते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप सीख लेते हैं। डेल्टा जी हम लोग सब जानते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव है और ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब अगर इस फॉर्मूले में आपने ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रख दी तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव रख दी तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सेल नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर ई नॉट ऑफ द सेल ही जीरो हो गया तो डेल्टा जी भी जीरो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। इस पर वन मार्क क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गाइस अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो गाइस देखो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। इमेजिन करो तुम्हारे पास में मेटल का टुकड़ा है, एक मेटल का टुकड़ा जिसकी लंबाई है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो इस पूरे मेटल के टुकड़े की अगर हम रेजिस्टिविटी निकालना चाहें या हम इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहें कि जब इससे करंट यहां से यहां फ्लो होगा तो इसको फ्लो होने से करंट को जो रोक रहा है वो क्या रोकेगा, कितना रोकेगा, या करंट को कितनी रुकावट फील होगी, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। जहां पर आप रेजिस्टिविटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हो जाएगा। रो इज रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है म्यू एम, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, नॉट म्यू एम, ओम मीटर, और उसकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो गाइस सीधी सी बात है, जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है। तो G इज 1 बाय R और R का फॉर्मूला क्या है, रो L बाय A। तो इसका फॉर्मूला आपके कंडक्टेंस का ही हो जाएगा। अच्छा, जैसे कंडक्टेंस था वैसे कंडक्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा एंड कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। यानी जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है आपका R और कंडक्टेंस आपका क्या है जी, इनमें कैसा रिलेशनशिप है, 1 बाय जी का, यानी एक दूसरे के ये इनवर्स है, एक दूसरे के ये क्या है, इनवर्स में चलते हैं। वैसे आपका रेजिस्टेंस और
कंडक्टेंस वैसे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। यहां पर कप्पा आपकी रेजिस्ट कंडक्टिविटी है सॉरी, और रो आपकी रेजिस्टिविटी है। तो ये इनका रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। फिर गाइस कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात आती है। कंडक्टिविटी सेल के अंदर एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, जिसे जी स्टार से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू एल बाय ए। तो अब आप लोग एक बात देखो कि सेल कॉन्स्टेंट इज एल बाय ए, और आपके रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रो एल बाय ए था, तो ये एल बाय ए को अगर मैं जी स्टार लिख दूं और इस रो को मैं वन बाय कप्पा लिख दूं, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन बाय कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय जी स्टार। तो सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा। समझ में बात, वेयर आर इज योर रेजिस्टेंस एंड कप्पा इज योर कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आता है मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूले में बस एक चेंज है, मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी। हम इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इस पर बहुत बार सवाल आते हैं। आगे चलते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ काम करेंगे हम लोग, और ध्यान से फोकस से हम इस पर क्या बात करेंगे। देखो बच्चों, तो बात यह है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो आयन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि आयन्स के बीच में स्पेस बढ़ जाने से आयन्स की मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि आयन्स के बीच में स्पेस बढ़ जाने की वजह से वो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन कंडक्टिविटी का डिपेंडेंसी नंबर ऑफ आयन्स पर होती है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स के कम होने से कोई लेना देना नहीं है, आयन्स के बीच की स्पेस से है। जितनी ज्यादा स्पेस उतना फ्री फ्लो, और जितना ज्यादा फ्री फ्लो उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालें, तो आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल अगर KCl की बात करो, तो हम लोग सब जानते हैं KCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पानी में जाते ही 100% डिसोसिएशन शो करना। तो जैसे ही आपने KCl को पानी के अंदर डाला, वो यहीं पर जाते ही 100% डिसोसिएट हो गया। अब आप जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, वैसे वैसे लीनियरली उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अब हमें कीड़ा काटा, हमने सोचा कि अगर मैं इस KCl को इतना डाइल्यूट कर दूं, इतना डाइल्यूट कर दूं कि लोगों को लगे कि भाई इसने इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया, तो क्या होगा? तो हमें मोलर कंडक्टिविटी की जगह क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लेमडा एम नॉट, जिसे बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये कैसे मिलेगी? ये मिलेगी जब हम धीरे धीरे इस ग्राफ को मैथमेटिकली एक्सट्रापोलेट करेंगे। तो जब हम इस ग्राफ का एक्सट्रापोलेशन करते हैं मैथमेटिकली, तो हम अल्टीमेटली ग्राफ के इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, और जिस जगह पर लाइन हमारी कट करे बस ये पॉइंट हो गया आपका लेमडा एम नॉट, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये ग्राफ इक्वेशन से भी हम इसे कर सकते हैं। ग्राफ इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाली इक्वेशन लगा रखी है इसने। तो यहां पर इंटरसेप्शन पॉइंट लेमडा एम नॉट हो गया, y एक्सिस पर लेमडा एम हो गया, आपके x एक्सिस पर अंडर रूट सी हो गया, और आपका माइनस ए आपका स्लोप हो गया, ये देखो नीचे की तरफ।
तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाल सकते हो। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाले केस में क्या होता है, जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में CH3COOH है। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में जाने के बाद शुरुआत में 100% डिसोसिएशन शो नहीं करते। अब आपने इसको डाइल्यूट करा 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 करा, ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं थी। अब धीरे धीरे कुछ 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 डिसोसिएट हो रहा है, हल्की हल्की मोलर कंडक्टिविटी चल रही है, लेकिन जब आप इसको बहुत ही ज्यादा टाइम डाइल्यूट कर दोगे तो अचानक से ये पूरी तरीके से डिसोसिएशन शो करने लगेगा और सडनली ग्राफ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक लीनियर ग्राफ नहीं है, बल्कि एक ऐसा कर्व और एक ऐसा वेवी ग्राफ है आप लोगों का, इसका मतलब यह है कि हम इस ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते। हम इसमें ग्राफ इक्वेशन लगा के हम इसका एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड। हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, और जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम नॉट निकालना नामुमकिन है? नहीं। फिर इसके लिए आता है आपका कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। भाई तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी जब टूटेगा तो कैटायन और एनायन बनाएगा, तो जो कैटायन हो उसका इंडिविजुअल कुछ होगा लेमडा एम नॉट, वो कॉलरॉश ने कैलकुलेट कर दिया। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एनायन होगा उसका भी कॉलरॉश ने लेमडा एम नॉट, कॉलरॉश ने उसका लेमडा एम नॉट कैलकुलेट कर दिया। उसकी वैल्यूज हमें दे रखी है, बस हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के एनायन के लेमडा एम नॉट को जोड़ेंगे तो हमको उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम नॉट मिल जाएगा। हमें उसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? जैसे आपके पास में K2SO4 है, तो K2SO4 में से दो कैटायन निकले, दोनों का लेमडा एम नॉट लिख दो, मतलब जो भी K पॉजिटिव का लेमडा एम नॉट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दो आयन है, और SO4 डाई नेगेटिव का जो भी आपका लेमडा एम नॉट है वो लिख दो, उसकी वैल्यू ऐड कर दो, आपको लेमडा एम नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन का इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर आता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास में है और अगर आपने उसका एक सोल्यूशन बनाया है तो उसमें वो आयन कितना डिसोसिएट हुआ है, उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम सी डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट। लेमडा एम सी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एंड लेमडा एम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। इसकी वैल्यू आप कॉलरॉश लॉ से निकाल लोगे, और इसकी वैल्यू वही अपना फॉर्मूला लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी वाले फॉर्मूले से आप ये वैल्यू निकाल लो। सो लेमडा एम सी इस फॉर्मूले से मिल गई, लेमडा एम नॉट कॉलरॉश लॉ से मिल गया, दोनों को डिवाइड करो अल्फा की वैल्यू मिल गई। और जब अल्फा की वैल्यू मिल गई तो आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ई क्यू, या मैं कहूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। जनरली मैं तो यही फॉर्मूला यूज करता हूं, मैं नीचे 1 - अल्फा नहीं लिखता क्योंकि जनरली अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसको इग्नोर मारो और केवल ये फॉर्मूला वैल्यू लगाओ और आगे बढ़ो। अब गाइस अगला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम सभी लोग जानते हैं एनोड कैथोड, कैथोड बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड होता है तो वो कैटायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए कैथोड। एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है इसलिए एनायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब सेल को आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोवाइड करोगे तो ये सेल के अंदर प्रोसेस चालू होगी। इलेक्ट्रोलिसिस हम सभी लोग जानते हैं, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फराडे फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट कितनी मात्रा में आपने करंट सप्लाई किया। जितना आप चार्ज या जितना आप करंट सप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कंपाउंड डिपॉजिट होगा या रिलीज होगा, जिसका फॉर्मूला गाइज आपको पढ़ के रखना है, दैट इज डब्ल्यू
जिसका फॉर्मूला आपको पढ़ के रखना है, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। इक्विवेलेंट वेट आपके उस मेटल का, उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है, आई इंटू टी। क्या चीज क्लियर हुई? फराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने तीन अलग अलग सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया है, अगर हमने इन तीन अलग अलग सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो अगर आप इन तीनों से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो इसमें जो कॉपर डिपॉजिट होगा, इसमें जो सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसमें जो निकल डिपॉजिट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी मात्रा, उसकी मात्रा डिपेंड करेगी उनके इक्विवेलेंट वेट पर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू वेट ऑफ निकल डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल। ये तीनों पर इस तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड गाइज, विद दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होता है। चलिए केमिकल काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डिसाइड करती है कि एक केमिकल रिएक्शन कितनी जल्दी या कितनी स्लो होगी, केमिकल रिएक्शन किस पाथवे से आगे बढ़ेगी, केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन से फैक्टर उसके रेट को फास्ट करेंगे, उसके रेट को स्लो करेंगे, केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो विथ टाइम रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, विथ टाइम प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी। तो इस केमिकल रिएक्शन का अगर आपको रेट निकालना है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कितनी रेट से आर डिसअपियर हो रहा है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, माइनस साइन शोज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ पी इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, कितनी रेट से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये आप एक बार ग्राफ जरूर स्टडी करिएगा, और इस तरीके से आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। गाइज, इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें आएगा हमारे पास में रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो गाइस इमेजिन करो, अच्छा मैं एक बार आपको ये वाला बात बता दूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, कि मान लो आपके पास में केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। अब इसमें अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आपको दे रखा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर, तो फाइंड द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो इसमें आपको सबसे पहले इसकी रेट इक्वेशन लिखते आनी चाहिए, मतलब इसको एवरेज रेट में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा एन टू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा एच टू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा एन एच थ्री बाय डेल्टा टी। अब क्योंकि आपको H2 की वैल्यू दे रखी है, NH3 का पूछा है, इन दोनों को ले लो, इसको इग्नोर कर दो। तो माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। आई बात समझ में? अब हम लोग जानते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 0.9 टाइम्स कट जाएगा, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा एन एच थ्री बाय डेल्टा टी। ये आपकी वैल्यू आ गई, यहां पर माइनस साइन हटा देंगे क्योंकि हम लोगों को
रेट ऑफ अपियरेंस पता करना है, तो ये रेट ऑफ अपियरेंस हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल इनको हल्के में मत लेना। चलो अब रेट लॉ की बात करते हैं। तो मान लो ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करके सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर में एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर में वाई। यहां पर एक्स और वाई ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देखकर हम कभी भी इस रेट लॉ इक्वेशन को नहीं लिख सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई हो जाएगा और यह है आपकी रेट लॉ इक्वेशन। के कहलाता है रेट लॉ कांस्टेंट, ए और बी इनके रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स ऑर्डर है रिएक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू ए और वाई ऑर्डर है रिएक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास में एक, मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जब आप नोट्स स्टडी करेंगे तो किस प्रकार आप ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाल सकते हैं एक बार इसको जरूर गो थ्रू करना। यहां पर ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन इन द रेट लॉ इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन में आप जरा देखो, चलो एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। मान लो वैसे आपके एनसीईआरटी में टेबल 4.2 दे रखी है, अभी 3.2 हो गई होगी नई एनसीईआरटी में, केमिकल काइनेटिक्स की टेबल नंबर 2 पढ़ना। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन आपको इनका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। एक्सपेरिमेंट 1 में इसकी वैल्यू 0.3, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.6, एक्सपेरिमेंट 3 में 0.3। O2 की एक्सपेरिमेंट 1 में 0.3, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.3, एक्सपेरिमेंट 3 में 0.6। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 0.096, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.384 और एक्सपेरिमेंट 3 में 0.192। अब क्या करेंगे, हमको इसका ऑर्डर निकालना है। तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 से 0.60 ने डबल कर दिया, ऑक्सीजन का कॉन्स्टेंट रखा, तो रेट हमने देखा 4 times बढ़ गया। मतलब NO2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 times बढ़ गया, यानी डेफिनेटली जो तुम्हारा x है, अगर मैं इसको x मानूं तो ये जो x है वो क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया, यानी कि 0.30 डिवाइडेड बाय 0.60 की पावर में x इज इक्वल टू, ये 4 times चला गया, 0.096 डिवाइडेड बाय 0.384, तो ये चला गया 4 times, ये चला गया 2 times, तो 1/2 की पावर में x इज इक्वल टू 1/4। तो बताओ 1/2 की पावर में x इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू 2 ही होगी ना। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू 2 निकाली। फिर हमने अगले केस में एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में NO को कांस्टेंट कर दिया और सेकेंड में 0.30 से 0.60 कर दिया। तो अब जब हमने A2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करा तो हमने देखा कि रिएक्शन का रेट भी डबल हो गया, मतलब डबल डबल हो गया, यानी वाई की पावर में 1 होगा। तो यहां पर आपका रिएक्शन जो है NO प्लस O2 से 2NO, इसकी रेट इक्वेशन बनेगी K मल्टीप्लाई बाय NO की पावर में X, O2 की पावर में Y, X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 और रिएक्शन का रेट ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1 through 3 इवन कुछ भी हो सकता है, यह हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और आप इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखकर नहीं निकाल सकते। और स्टोइकोमेट्री यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का और ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में होगी उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में अगर आपको रेट कॉन्स्टेंट के की यूनिट निकालनी है तो वो है मोल्स 1 - n लीटर n - 1 पर सेकेंड, जहां पर n का मतलब होता है ऑर्डर। जीरो ऑर्डर है तो n की जगह 0 लिखो, ऑर्डर 1 है तो n की जगह 1 लिखो, ऑर्डर 2 है तो n की जगह 2 लिखो, आपको यहां पर यूनिट्स मिल जाएंगी। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन में एक पॉइंट पर एक साथ कितने रिएक्टेंट कोलिजन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए इफेक्टिवली।
केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकती है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बन रहा है। मॉलिक्यूलरिटी 2 भी हो सकती है, दो मॉलिक्यूल टकराकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी 3 भी हो सकती है, तीन मॉलिक्यूल टकराकर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखी जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके की अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए जिसमें आपको 6FeSO4 और 3H2SO4 और KClO3 दिख रहा है, तो देखने में तो 10 मॉलिक्यूल टकराते हुए नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन क्या 10 मॉलिक्यूल टकराएंगे? नहीं। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन 10th ऑर्डर है? नहीं, ये एक्चुअली में 2nd ऑर्डर है। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 होगी क्या? नहीं। इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन क्या है? एक मल्टीपल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। तो हर केमिकल रिएक्शन को आप केवल ऑब्जर्व करके उसकी मॉलिक्यूलरिटी या उसका ऑर्डर नहीं पता लगाओगे, आप उसका मैकेनिज्म स्टडी करोगे। तो अब इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि H2O2 पहले I नेगेटिव के साथ H2O और IO नेगेटिव बना रहे हैं, ये स्लो स्टेप है। फिर एक H2O2 IO नेगेटिव के साथ H2O देन I नेगेटिव देन O2 बना रहा है, ये फास्ट स्टेप है। तो इसीलिए हमने देखा कि इस दो स्टेप की रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगी। इसीलिए जब हम इसकी रेट इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय H2O2 इनटू आई नेगेटिव। मतलब हमने इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लिखा, हमने इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लिखा। आप खुद सोचो, अगर आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर अगर इसकी रेट इक्वेशन बनाने जाते तो आप लिखते रेट के H2O2, और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता तो आप थ्योरेटिकल वैल्यू को देखकर यहां 2 चढ़ा देते। ये पूरा ही गलत है, ये लिखना ही गलत है, क्योंकि हमको इसका मैकेनिज्म चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आपको उसका ऑर्डर बताया जाएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और दोनों अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी का मतलब नहीं होता। अब गाइस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर, उसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी, वेयर ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास में केमिकल रिएक्शन है जो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, या केमिकल रिएक्शन 30% कंप्लीट हो गई आफ्टर 30 मिनट्स, तो इनिशियल आ जाएगा 100, 30% कंप्लीट हो गई यानी फाइनल आ जाएगा 70, क्योंकि 70 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 30, 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 30, 30 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 1, तो आपका रेट कांस्टेंट हो गया 1। इस तरीके से आप इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये इसका ग्राफ एक बार आप नोट्स में से जरूर चेक करेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को आप जरूर एक बार चेक करेंगे। ये वाली इक्वेशन को R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट को Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख के हमने इसका ग्राफ बनाया है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमोनिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, 2HI इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड H2I2 बनाना इसका एक एग्जाम्पल है। हाफ लाइफ की बात करें तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2K। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, उसका फॉर्मूला के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर। आर नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, टी इज टाइम एंड के इज योर रेट कॉन्स्टेंट। इसका भी ग्राफ एक बार जरूर चेक करेंगे ग्राफ इक्वेशन से, इसका दूसरा वाला ग्राफ भी चेक करेंगे ग्राफ इक्वेशन से, नोट्स में मैंने आपके लिए बना रखा है। अगर गैस की बात करें तो गैस का प्रेशर भी आपको यहां पर दे रखा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम सभी लोग जानते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दिखने में सेकेंड ऑर्डर होती है पर उसके अंदर एक रिएक्टेंट इतनी ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करो ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसका रेट केवल एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। रिएक्शन विच लुक्स लाइक अ सेकेंड ऑर्डर बट बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब गाइस, आरेनियस इक्वेशन पर एक क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे पढ़ के जाएंगे गाइस। सो आरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो, के इज इक्वल टू ए की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी, आपकी आरेनियस इक्वेशन है। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी। अब गाइस, केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में जब टेम्परेचर T1 था तो केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर चेंज करके हमने T2 कर दिया इसका रेट कांस्टेंट K2 हो गया। एक्चुअली आरेनियस ने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट है H2 और एक रिएक्टेंट है I2 तो अभी ये दोनों स्टेबल है,
ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनके एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाएगी और ये दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। फिर बाद में बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने बोला कि किसी भी रूम टेम्परेचर पर मौजूद गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोस्ट ऑफ द गैसेस का सेम होता है। कुछ ही गैसेस के पास में इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट क्रॉस करके प्रोडक्ट बना लें। लेकिन जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दोगे तो कुछ नंबर ऑफ गैसेस का एक्टिवेशन एनर्जी को क्लियर करने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो अचीव कर लेते हो, और अब नंबर ऑफ गैसेस ज्यादा हो गई जिनके पास में काइनेटिक एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमने देखा कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, केमिकल रिएक्शन का रेट 2 times बढ़ जाता है टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से। इसलिए पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 है। हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, हमें फाइनल फॉर्मूला मिला लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। और ये फॉर्मूले पर काफी ज्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद गाइस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि वो जल्दी अचीव हो जाए और केमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाए। ओरिएंटेशन बैरियर हम लोग SN1 SN2 में पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और ये सारे नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दिए जाएंगे मेरे द्वारा। तो गाइज विद दिस हम लोगों का वन शॉट फिजिकल केमिस्ट्री सारे फॉर्मूले से खत्म होता है। मेरा टारगेट था सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कराना, बट मैंने पूरा चैप्टर एक एक बार गो थ्रू करा दिया है। एक फास्ट रिविजन विद इन 2 घंटे करने की कोशिश करिए। तो आई होप मेरी तरफ से आपको ये 2 घंटे के अंदर फास्ट रिविजन मिला होगा पूरे पूरे चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री के। 1.5x की स्पीड पर देखना, आपको ज्यादा मजा आएगा। आप इस वीडियो को जैसे ही आप प्रीमियर पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में गाइस। प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो और लाइक जरूर कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना ताकि मुझे पढ़कर भी मोटिवेशन मिले। बाय बाय।